वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर हम अपना कॉमर्स मैथ में रैंक लेकर के चल रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज शुरू हो गई थी स्टूडेंट 1.1। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको क्लियर कर दिए थे। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। और क्या ये तीनों बिल्कुल एक ही प्रक्रिया में है। यहां पर आपको दो रेशो दे रखे हैं, उसमें आपको दो रेशो में से दो वैल्यू फाइंड करा रहा है, ज्ञात करा रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहां ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है। ए अनुपात बी दे रखा है स्टूडेंट आपको 3:4 और बी अनुपात सी दे रखा है 5:6। यहां पर स्टूडेंट आपसे बोल रहा है ए अनुपात सी जो है आपको ज्ञात करना है। इस कंडीशन में स्टूडेंट हमको क्या करना है, भिन्न रूप में लिख लेंगे। ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3:4। इसके बाद बी बटे सी बराबर कर लेंगे 5:6 और दोनों जो हमारे पास अनुपात है इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बटे बी मल्टीप्लाई कर देंगे बी बटे सी इक्वल टू ए बटे बी की वैल्यू क्या है 3:4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी बटे सी की वैल्यू से 5:6। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 3 से 6 को काट देंगे 2 बार, तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ए बटे सी इजी कर दो कितना हो जाएगा 1 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 4 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 8 हो जाएगा। और स्टूडेंट यहां पर हमारे पास ए अनुपात सी जो हो जाएगा 5:8। स्टूडेंट ए आपको क्या करा, क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी की तरह है। जब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको 2 अनुपात दे रखे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में स्टूडेंट आपको 3 अनुपात दे रखे हैं। इसके बाद ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है और आपको स्टूडेंट सी डी दे रखा है। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करा रहा है स्टूडेंट, यहां पर ए डी की वैल्यू फाइंड करा रहा है। ए और डी बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस में लेके चलेंगे। ए अनुपात बी स्टूडेंट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में 6:15, 8:15 का 8:15। इसके बाद स्टूडेंट आपको यहां पर बी और सी दे रखा है 5:8 दे रखा है आपको, और स्टूडेंट यहां पर सी और डी दे रखा है 4:5। फिर वही प्रोसेस में आते हैं, वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहां पर भिन्न रूप में लिखेंगे तो ए बटे बी हो जाएगा आपके पास 8:15 का, बी बटे सी हो जाएगा 5:8 का और सी बटे डी हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4:5 का। जो हमारे पास अनुपात दे रखे हैं स्टूडेंट तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी बी सी और सी डी। ए बी की वैल्यू दे रखी है 8:15 की, बी सी की वैल्यू क्या रखी है 5:8 की और सी डी की वैल्यू क्या दे रखी है 4:5 की। यहां पर स्टूडेंट हमारा बी से बी कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा, 8 से 8 और 5 से 5 क्या रह जाएगा स्टूडेंट हमारा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्या रह जाएगा ए और डी, और जब राइट हैंड साइड आएंगे तो क्या रह जाएगा हमारा 4:15। तो स्टूडेंट हमारा ए अनुपात बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5।
15। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर आपके एक मैथ के तीन क्वेश्चन क्लियर हुए, आगे चलेंगे स्टूडेंट। आगे जब हम चलेंगे तो यहां पर क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 13, 14, 15। किस प्रकार से सॉल्व करना है स्टूडेंट यहां पर? यहां पर भी बिल्कुल सेम वही प्रक्रिया है, ए बी डी सी सी डी दे रखा है। अभी तक क्या था, केवल दो वैल्यू फाइंड करा रहा था, अब वहां पर आपको चारों जो वैल्यू है उनका रेशियो आपको फाइंड करा रहा है, चारों के बीच अनुपात ज्ञात करा रहा है। कैसे करना है स्टूडेंट आपको, एक क्वेश्चन में आपको लेकर के चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है, बी और सी की वैल्यू दे रखी है, सी और डी की वैल्यू दे रखी है। ए और बी की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 13 में 8, 15, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, 8:15 वैल्यू बिल्कुल आपके वही है जो अभी मैंने पहले सॉल्व किया है, 5, 8। और 4:5 स्टूडेंट यहां पर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इसकी वैल्यू फाइंड करा रहा है, बोल रहा है ए बी सी डी के मध्य क्या अनुपात होगा। स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते समय स्टूडेंट सबसे पहले हम ए अनुपात बी को लेके चलेंगे, वो ले रखा है 8:15 और दूसरा बी और सी की वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का कंपैरिजन करने में तुलना करने में क्या है, बी पद समान है तो बी के लिखे बी लिखेंगे अनुपात सी, उसके बाद स्टूडेंट बी की वैल्यू जो दे रखी है हमें कितना दे रखा है, उस बी की वैल्यू को फर्स्ट रेशियो के बी की वैल्यू के नीचे लिखना 5:8। तो यहां स्टूडेंट जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमें पहला अनुपात जो दे रखा है ए और बी का वो दे रखा है 8:15। अब यहां बी की वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मैंने आपको रेशियो का एक लॉ बताया था कि यदि हमें किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू से इक्वल करना है तो ऐसी कंडीशन में जो हमें भिन्न दे रखा होता है, जैसे यहां पर 5/8 दे रखा होता है, तो इस भिन्न के अंश में हर में दोनों में ही एक पद की गुणा होगी ताकि उसका मान परिवर्तित ना हो। स्टूडेंट यहां पर यदि 3 की मल्टीप्लाई 5 से करते तो 8 में भी 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट, जब 5 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा 15, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। कितना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, तो यहां पर ए अनुपात बी के पद हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो बी अनुपात सी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 8:15:24। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, इसके बाद सीधा सी और डी की तरफ आते हैं स्टूडेंट, हम सी के नीचे सी की वैल्यू लिख देंगे अनुपात डी। अब सी की वैल्यू यदि हम देखते हैं, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24 के नीचे 4 लिखेंगे, अनुपात कितना लिखेंगे, डी की वैल्यू 5। फिर वही स्थिति क्या पर आएंगे, यहां पर इन दोनों की जो सी की वैल्यू है इनको सिमिलर करना है, बराबर करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, तो 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपके पास अनुपात होगा 8:15:24। पहले वाला अनुपात है, दूसरे अनुपात को लेके चलेंगे, जब 4 की 6 से गुणा होगी तो कितना जाएगा स्टूडेंट 24, और 6 की गुणा स्टूडेंट हमें 5 से भी करनी पड़ेगी कितना हो जाएगा 30।
स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा फिर ए अनुपात बी अनुपात ये हमारे पास क्या हुआ सी की वैल्यू इक्वल हो गई सी अनुपात डी क्या रेशियो निकल जाएगा स्टूडेंट आर अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30 स्टूडेंट हमें यहां पर ए बी सी डी का अनुपात निकलवा रहा था अब स्टूडेंट यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी यानी चारों पदों से बीच अनुपात निकल जाएगा 8 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30 जो आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद मैं थोड़ा आपको बैग में लेके चलना चाहूंगा यहां पर आपको अनुपात दे रखे हैं उन अनुपातों का यहां पर आपको मिश्र अनुपात निकलवा रहा है या मिश्रित अनुपात निकलवा रहा है तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट यहां क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यानी तीनों में सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पहला अनुपात दे रखा है 3:5 इसके बाद दूसरा अनुपात दे रखा है 4:7 और स्टूडेंट तीसरा अनुपात जो दे रखा है मैं यहां पर वह दे रखा है आपको 5:6 जब आपको मिश्र अनुपात निकलवाए या मिश्रित अनुपात निकलवाए तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कुछ बात समझाना चाहूंगा जब कोई संख्या हमें फॉर एग्जाम्पल ए अनुपात बी दे रखा है तो ए और बी जो है हमारे पास दोनों अनुपात के पद है ए जो होगा हमारा प्रथम पद और बी जो होगा हमारे पास वो क्या होगा स्टूडेंट द्वितीय पद इसको प्रथम पद को पूर्व पद और द्वितीय पद को उत्तर पद भी कह सकते हैं तो जब मिश्रित अनुपात निकालना होता है तो जितने भी अनुपातों का मिश्रित अनुपात निकलवा रहा है उसके पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल हम कर लेते हैं। स्टूडेंट जब हम यहां पर मिश्र अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास प्रथम पद या पूर्व पद इस रूप में लिखेंगे उसको पूर्व पदों का गुणनफल अनुपात उत्तर पदों का गुणनफल या प्रथम पदों का गुणनफल अनुपात द्वितीय पदों का गुणनफल। अब यहां पहले पद समझे स्टूडेंट 3, 4 और 5 अनुपात 5, 6, 5, 7 और 6 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जब बड़ा करेंगे स्टूडेंट 3 जब 12 बन के 60 अनुपात 7 5 35 और 35 की करेंगे 6 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 210 इसको 60:210 लिख सकते हैं और यदि इजी फॉर्म में लेके चलना हो स्टूडेंट इसको 60 में 210 लिख करके 0 से 0 काट देंगे
और दोनों किससे कट जाएंगे स्टूडेंट हमारा, तीन से, तीन दूनी छह और तीन सत्ते 21, स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 2:7। पहला तरीका ये हो गया, इसको दूसरे तरीके से लेके चल सकते हैं। कैसे करना है इसको, गुणा 5 बटे 5 गुणा 6 गुणा 7। स्टूडेंट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, कितने बार है आपके पास 3 दूनी 6 और 2 से हो जाएगा 2 बार, और पास कितना जाएगा स्टूडेंट 2:7। इसको आप दोनों ही तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किधर 16 स्टूडेंट, इसके बाद आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। अभी तक हमें भिन्न निकली दे रखी थी, यहां पर हमको भिन्न ज्ञात करनी है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम स्टूडेंट, जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं तो यहां पर बोला गया है दो व्यक्ति ए बी दे रखे हैं, ए और बी, इनका क्या दे रखा है आपको, आय दे रखी है और व्यय दे रखा है। स्टूडेंट जो ए की आय दे रखी है आपको, यहां पर ए की आय दे रखी है या उसके पास रुपए दे रखे हैं 400 और बी के पास दे रखे हैं स्टूडेंट 600, इनके व्यय भी दे रखे हैं, ए के व्यय दे रखे हैं स्टूडेंट आपको 180, ए का जो व्यय दे रखा है आपको 180 और बी का व्यय दे रखा है स्टूडेंट आपको 210। और यहां पर आपको ए और बी के व्यय का अनुपात निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है व्यय का अनुपात, अनुपात मतलब कौन अधिक खर्चीला है, कौन ज्यादा पैसे खर्च करता है। तो स्टूडेंट यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पद कैसे हैं, सजातीय पद हैं, व्ययों की तुलना की जा रही है कौन अधिक व्यय करता है, तो यहाँ पर तो स्टूडेंट हमारा ठीक है। लेकिन यदि इस व्यय का कंपैरिजन, एक्सपेंसेस का कंपैरिजन इनकम से करते हैं, यानी कि व्यय की तुलना आय से करते हैं, तो आय क्या है दोनों की असमान है। तो एक रूपता लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी आय को समान करना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, आय को समान न करके सीधा सीधा इनका व्यय प्रतिशत निकाल लें, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ए का व्यय अनुपात, तो व्यय का जब हम तुलना करेंगे, व्यय अनुपात क्या है, व्यय की तुलना करेंगे आय से, तो कितना हो जाएगा 180/400। सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, कितना हो जाएगा 9/20। स्टूडेंट ये इसका व्यय का अनुपात हो जाएगा आय से तुलना करने पर 9/20। इसी प्रकार से बी को लेकर चलेंगे, बी का व्यय का अनुपात क्या हो जाएगा, बी की व्यय जो दे रखा है वो दे रखा है 210 बटे में लिख लेंगे कितना, बी की आय 600, जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7/20। ठीक है स्टूडेंट, चूंकि यहां पर जब आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, 9/20 बड़ा है किससे, 7/20 से, और 9/20 अनुपात किसका है ए का, तो तुलना करने पर आगे लिख सकते हैं, चाहे तो लिख दो या फिर
तुलना करने पर दोनों चीज लिख सकते हैं, 9 उत्पाद 20 बढ़ा है 7/20 से, इसीलिए कौन अधिक खर्च करता है? क्लियर हो गया हमें कौन अधिक खर्च करता है? ए। तो स्टूडेंट यहां पर ए अधिक खर्चीला है, ठीक है, लिख देंगे यहां पर ए अधिक खर्चीला है, ठीक है स्टूडेंट। इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो क्या है? यदि हम ए के द्वारा किए गए व्यय का रेशो निकालते हैं और बी के द्वारा किए गए व्यय का रेशो अनुपात निकालते हैं, एक्सपेंसेस रेशो निकालते हैं, तब भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको किस प्रकार से करना है स्टूडेंट, उस चीज को हम देखेंगे। यहां पर लिख देंगे ए का व्यय प्रतिशत कितना हो जाएगा, 180/400/100। तुलना करने पर इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे कितना कट जाएगा, 45%। यानी कि ए अपने 5 धन का 45% व्यय करता है। इसी प्रकार से बी का व्यय प्रतिशत, तो बी का व्यय प्रतिशत कितना कटेगा स्टूडेंट, वह है 210 और बी की आय देखिए स्टूडेंट हमें कितना, 600% निकाल लेंगे, कॉपी गुणा कर देंगे, काटेंगे 6 से काटेंगे इसको या 3 से काटेंगे, 6 हो जाएगा, 3 × 7 = 21 कितना हो गया स्टूडेंट यहां पर, 35%। तो यहां यदि तुलना करेंगे तो क्या लिख देंगे, 45% अधिक है किससे, इसकी भी हम यदि हम प्रतिशत निकालेंगे स्टूडेंट, यहां पर हम अपना वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, सत्यापन कर सकते हैं दोनों तरीके सॉल्व करके कि हमारा क्वेश्चन गलत है या सही। कैसे, अभी हमने सॉल्व किया 45%, जो हमारा पहला निकला है ये सेकंड मेथड है स्टूडेंट सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को, पहला मेथड बता चुका हूं, सेकंड मेथड है। जैसे आपके पास पहले मेथड में 9/20 आया था, इसकी प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 की गुणा करके देखें तो कटेगा कितने बार, 5 बार, तो 9/20 कितना हो जाएगा, 45%। तुलना करने पर इसके बराबर आ गया। इसी प्रकार से सेकंड वाले मेथड को लेकर चलते हैं आप, 7/20 इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, हमको 100 की गुणा करनी है, तो 20 की 5 बार कट जाएगा और 7/35 35% हो गया दूसरे के बराबर। यानी कि हमारे पास जो पहला किया था वह भी ठीक है और ये वाला भी हमारे पास ठीक है, क्योंकि दोनों के आंसर हमारे पास, दोनों मेथड के आंसर क्या हो रहे हैं, टैली हो रहे हैं, है ना, दोनों के आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं। स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, तुलना करने पर सेकंड मेथड में आते हैं, तुलना करने पर 45% क्या है, बड़ा है किससे, 35% से, तो कौन अधिक खर्चीला हो गया, 45% वाला जो हमारे पास ए है, तो लिख देंगे ए अधिक खर्चीला है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट।